तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लेग डे के बारे में, जानेंगे कि लेग्स को ट्रेन करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाए रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइब करें। तो अभी तक जितने भी जिम के अंदर मैं गया हूँ, जहाँ पे भी मैंने ट्रेनिंग की है, वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोग लेग्स को ट्रेन करने से बहुत ही हिचकिचाते थे। वो लोग अपने लेग्स को ट्रेन नहीं करते थे, उनकी पूरी एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल होती थी, बट उसके अंदर वो लोग लेग्स को इन्वॉल्व नहीं करते थे। इसका रीज़न मुझे नहीं पता आज तक, मैंने कई लोगों से पूछा भी कि आप लोग लेग्स को ट्रेन क्यों नहीं करते हैं, बट उनके पास भी कोई रीज़न नहीं था। उन्होंने बस ऐसे ही कहा कि मुझे पसंद नहीं लेग्स को ट्रेन करना। तो लेग्स को ट्रेन ना करने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो पहले जान लेते हैं, फ़ायदे मैं आपको बाद में बता दूंगा। सबसे पहली चीज़, जब आप अपनी अपर और लोअर बॉडी में कंपैरिजन करेंगे तो आपके अपर बॉडी में काफ़ी सारे पार्ट आते हैं। आपके आर्म्स आते हैं, आपका चेस्ट आता है, आपके शोल्डर आते हैं, आपका बैक आता है, आपके एब्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी केवल अपर बॉडी में आती हैं, बट जब आप अपनी लोअर बॉडी को देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लेग्स आते हैं। हालांकि लेग्स के अंदर काफ़ी सारे मसल्स होते हैं, ग्लूट्स होते हैं, काफ्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स होती हैं, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर आपके लोअर बॉडी, मतलब आपके जो आधा बॉडी का पार्ट है, उसमें सिर्फ लेग्स आते हैं। तो एक तरीके से आप अपनी आधी बॉडी को ही ट्रेन नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी अपर बॉडी पर ध्यान देते हैं। तो जब आपकी एज बढ़ेगी, आप 30s में जाएंगे या 40s में पहुंचेंगे, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगी चलने में, आपके नीज में पेन होगा, आप ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाएंगे, क्योंकि रीज़न ये होगा कि आपने अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन नहीं किया, आपने लेग्स को ट्रेन नहीं किया है, और आप अपने अपर बॉडी के पार्ट्स को रेगुलरली ट्रेन करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग किया आपने, उसको हैवी बनाया, हैवी मसल्स बिल्ड की, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपने अपने लेग्स को ट्रेन किया नहीं है। तो मकान की जब नींव ही कमज़ोर होगी तो फिर मकान उस पर कैसे खड़ा हो पाएगा। तो इसी तरह अगर आप अपने लेग्स को ट्रेन नहीं करेंगे तो आप ऊपर अपनी अपर बॉडी को चाहे जितना भी अच्छा बना लें, चाहे जितना ब्रॉड, चाहे जितना मस्कुलर बना लें, अगर आपके लेग्स कमज़ोर रहेंगे तो फिर वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आगे चल के। ये तो मेन प्रॉब्लम थी जो मैंने बताई। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि बॉडी सिमेट्री में नहीं दिखती है, ओवरऑल बॉडी बहुत ही बेकार लगती है, आपके लेग्स थिन होते हैं, आपकी अपर बॉडी ब्रॉड होती है, तो वो एक सिमेट्री नहीं लगती है, और इम्पैक्ट सामने वाले पे गलत जाता है कि आपने अपर और लोअर बॉडी पे इक्वली काम नहीं किया है। तो फिर ये दूसरा एक रीज़न है। देखिए, दूसरे रीज़न से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि हम लोग लेग्स इसीलिए ट्रेन नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग के जो चेस्ट और आर्म्स होते हैं वो टी शर्ट के ऊपर दिखते हैं, बट लेग्स जो है वो पूरी तरीके से ढक जाते हैं। शायद ये एक रीज़न है, बट आपको लेग्स और आपके जो भी वीक मसल ग्रुप है उनको ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेग्स ट्रेन करने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं, मैं आपको बताऊं। जब आप अपने आर्म्स को ट्रेन करते हैं या जब आप अपने चेस्ट को ट्रेन करते हैं तो सिर्फ आपका आर्म्स और आपके चेस्ट ही ग्रो करेंगे, बट जब आप अपने लेग्स को ट्रेन करेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होगी, ओवरऑल बॉडी में मसल बनेगा, ओवरऑल बॉडी में फैट लॉस होगा। रीज़न ये होता है, जब भी हम लोग लेग्स को ट्रेन करते हैं तो जो कि नंबर वन मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो प्रोड्यूस होता है, जिसका काम होता है फैट को लॉस करना और मसल को बिल्ड करना। तो आपका गोल चाहे जो भी हो, फैट लॉस हो या मसल गेन करना हो, अगर आप लेग्स को ट्रेन करते हैं तो वो 2 times फास्टर आप अचीव कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपका कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है जब भी आप लेग्स या जो भी कंपाउंड एक्सरसाइज हैं उनको ट्रेन करते हैं, लेग्स हो गए, डेडलिफ्ट हो गए, ऐसी जो कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं उससे आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे आप ज़्यादा वेट उठा पाएंगे। तो ज़्यादा वेट उठाएंगे तो उससे आपकी ज़्यादा मसल ग्रोथ होगी। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपका फोकस बढ़ता है, आपका मसल और माइंड कनेक्शन बढ़ता है, तो जिससे आपकी ज़्यादा मसल ग्रोथ होगी, बेहतर पंप मिलेगा आपको, और भी काफ़ी सारे फायदे हैं लेग्स को ट्रेन करने के। बट मुझे जहाँ तक ये लगता है कि इतने रीज़न काफ़ी होंगे आप लोग को ये समझाने के लिए कि लेग्स को ट्रेन करना ज़रूरी क्यों है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं लेग्स को ट्रेन ना करके। सो आई होप एट लास्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेग को ट्रेन करना। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ डंबेस मिस्टेक के ऊपर, ये part 2 है, तो आपने अगर part 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाकर देखें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।